नमस्कार, मैं रावण विधानसभा के रुठियाई नगरी क्षेत्र में खड़ा हूँ। शाम के 5:30 बज चुके हैं। चुनाव की तैयारियाँ यहाँ हो चुकी हैं, पर यहाँ की जनता से जब हमने यहाँ के मुद्दे के बारे में बात की तो उनका दर्द निकल कर बाहर आया। किसी का कहना था कि नल जल योजना है वो केवल दिखावे की है, एक दिन छोड़ कर नल आ रहे हैं, कि ये गांव में कीचड़ों जमा हुए, किसी की समस्या कुटीर की है तो किसी को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, लाडली बहना योजना को लेकर कुछ लोग प्रसन्न दिखाई दिए तो कुछ लोगों में नाराज़गी व्यक्त थी कि लाडली बहना योजना के तहत पेंशन तो दी जा रही है पर हम लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जा रही। हम यहाँ से कुछ दूरी पर चौपट नदी है, वहाँ अवैध उत्खनन भी हो रहा है। यहाँ NFL और गेल है रावण विधानसभा में, यहाँ लोगों को रोज़गार मिला था। बताएं, मैं गांव पे रहता हूँ, पिपरी रहता हूँ। हमारे यहाँ क्या समस्या है कि अभी रात में लाइट रहेगी 10-11 बजे तक, उसके बाद सारी लाइट नहीं रहती। बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लाइट नहीं रहती, मच्छर काटते हैं। लाइट आती है फिर सुबह सड़कें तो साहब पूरे खोद के रख रखी हैं, किसी कॉलोनी में चले जाओ लगते नहीं शहर में है कि गांव में। ऐसे गड्ढे कर रखे हैं इन लोगों ने, सीवर लाइन कहीं कोई सी लाइन खोद के चले जाते हैं, रिपेयर कोई करता नहीं है, सड़कों की बेकार हालत है। गुना में 8 रोड की जो सड़कें हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। जो प्रशासन है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जो आम जनता निकल रही है कर रही है उसको दिक्कतें होती हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो 4-व्हीलर से निकलते चले जाते हैं, ये समस्या ज़्यादातर है। और गुना में यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देख लीजिए आप, जो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो होना चाहिए, आदमी भटक रहा है इधर से उधर, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। चुनाव से यदि देखा जाए तो काफ़ी समस्याएं हैं हम लोगों को। जैसे देखा जाए तो गुना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रिंग रोड की, वो आज तक नहीं हो पाई पूरी। कई जगह ऐसा है जो ट्रैफिक जाम भी रहता है, ट्रैफिक जाम की स्थितियाँ ही बनती हैं, तो इसलिए ना तो ट्रैफिक की व्यवस्था हो पाई है ना पार्किंग की व्यवस्था है। दूसरा देखा जाए तो वार्डों की स्थिति इतनी गंदी है कि सीवर लाइन का जो काम चल रहा था वो सीवर लाइन का काम भी ऐसा हुआ कि उसको भी अधूरा छोड़ दिया, ना नियमित रूप से सफाई हो पा रही है। तो अगले चुनाव में हम यही चाहेंगे कि जो भी सरकार आती है वो इन चीज़ों पर ध्यान दे, और सबसे बड़ी एक ये भी है कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल ना के बराबर हैं। हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं है, सेवाएं दे रहे हैं तो प्राइवेट सेवाएं दे रहे हैं। इस समय हम गुना जिले के बमोरी विधानसभा के गड़ा गांव में खड़े हुए हैं। गड़ा गांव शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। गड़ा में हम एक चाय की दुकान पर लोगों से बातचीत करते हैं, उनका दर्द सुनते हैं, तो उनका कहना होता है कि चुनाव के बाद नेता, चुनाव के समय नेता आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, यहाँ के विकास पर कोई ध्यान नहीं देते। जब उनसे नल जल योजना के बारे में बात करते हैं तो उनका कहना होता है यहाँ तो साहब एक दिन बाद पानी आता है, एक वृद्धा चाय बनाकर धंधा कर रही है, उसका कहना होता है कि मुझे तो बाबूजी कुटीर अभी तक नहीं मिली। लाडली बहना के बारे में जब कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ तो महिलाओं दे रहे हैं पर पुरुषों को क्या लाभ देंगे, उनमें लाडली बहना के प्रति गुस्सा भी नज़र आया, क्योंकि उनका कहना था कि इस योजना से घर घर लोगों में बिखराव हो रहा है। धन्यवाद।